हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम एमसीक्यू ग्रामर यानी एसएसएलसी थर्ड लैंग्वेज का जो ग्रामर पार्ट है उसमें से आज एक बिट देखेंगे जो है प्रीफिक्सेस, या उसको बोल सकते हैं अपोजिट भी। तो जनरली अगर हम देखेंगे जो सम कॉमन प्रीफिक्स विच आर जनरली यूज, यानी ऐसे तो अगर हम प्रीफिक्स देखेंगे तो तकरीबन कितने हैं, 35 प्रीफिक्स हैं, मगर उतने अपने को एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। जो जनरली पूछे जाते हैं वो प्रीफिक्स हैं हमारे पास, देखिए जैसे यहाँ पर बताओ डिस, अन, इम, इन, इल एंड मिस, तो ये चंद हैं चीज़ें हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू, और इसी में से हर बारी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये चंद चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वर्ड पोलाइट, जो पोलाइट वर्ड है, कैन बी रिटन इन इट्स एंटोनिम फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, यानी इसका प्रीफिक्स क्या है हमारे देखना है। जो पोलाइट का इम है, इन, अन या डिस, इतने में से रहते हैं। जो सही ऑप्शन इसका है जो पोलाइट को, ए ऑप्शन है इम्पोलाइट, ठीक है। दूसरा देखिए, द वर्ड हेल्दी कैन बी रिटन इट्स यूजिंग द प्रीफिक्स, यानी इसका प्रीफिक्स लिखना है हमको हेल्दी का। तो हेल्दी का जो आता है ऑप्शन क्या है हमारा, इम, अन, इन, इर, तो इसका सही है बी ऑप्शन, अन, यानी अनहेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, द वर्ड लीगल, लीगल कैन बी रिटन, ये जो लीगल का जो प्रीफिक्स क्या है या पॉजिटिव फॉर्म जो भी हम कहेंगे उसका क्या है वर्ड अगर देखेंगे तो क्या है, ए, इन, बी, अन, सी, इल या डी, इर, तो सही ऑप्शन इसका देखिए सी है, इलीगल, ओके। थर्ड वन देखेंगे, द वर्ड पॉसिबल कैन बी रिटन, पॉसिबल जो पॉसिबल वर्ड है इसको प्रीफिक्स हम देखेंगे कौन सा है पॉसिबल का, ए, इम, बी, अन, सी, इन या डी, इर, तो सही है इसका पॉसिबल का ए है इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वन में जो वर्ड पूछा जा रहा है वो यह है कि यूज़ अप्रोप्राइट प्रीफिक्स टू गेट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, यानी कंटिन्यूइंग का जो प्रीफिक्स क्या है हमारे को देखना है। कंटिन्यूइंग का जो ऑप्शन दिए गए हैं से ए, इन, बी, डिस, सी, इर, डी, नॉन, तो इसका क्या है सही ऑप्शन बी है डिसकंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, द वर्ड रेस्पॉन्सिबल कैन बी रिटन इन इट्स एंटोनिम फॉर्म ऑफ बाई यूजिंग द प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या है रेस्पॉन्सिबल का, ए, इम, बी, अन, सी, इन, डी, इर, तो इसका क्या है सही ऑप्शन रेस्पॉन्सिबल का डी आता है इररेस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ वन देखिए, द वर्ड लाइक कैन बी रिटन इन इट्स एंटोनिम अपोजिट फॉर्म ऑफ बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होगा लाइक का, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं डिस, नो, इन, अन, तो लाइक का क्या होगा सही ऑप्शन डी होगा अनलाइक, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, द वर्ड हैप्पी, द वर्ड हैप्पी, हैप्पी का यहाँ पर क्या होता है सर, ये ऊपर का जो है सो हम जो थोड़ा यहाँ पर जो लाइक का है वो ऑप्शन अन नहीं है, सही उसका ऑप्शन होता है ए डिसलाइक, सॉरी, ठीक है, लाइक का डिसलाइक, ओके। नेक्स्ट हैप्पी का जो है वो जो आता है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें डिस इल रहा तो यहाँ पर डी आता अनलाइक, ओके। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, द वर्ड प्रॉपर कैन बी रिटन इन इट्स अपोजिट फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, प्रॉपर का यानी प्रॉपर का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो इम, डिस, मिस या अन, तो सही ऑप्शन इसका क्या है इम, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वर्ड अग्री कैन बी रिटन इन इट्स अपोजिट फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, अग्री का क्या है यहाँ पर देखिए ऑप्शन अन, इम, इल या डिस, तो सही ऑप्शन क्या है इसका दसवें का अगर देखेंगे तो अग्री का डी आता डिसअग्री, ठीक है। चलिए आगे, द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर का भी अगर देखेंगे तो ऑर्डर का जो अपोजिट फॉर्म है प्रीफिक्स इम, अन या इन, डिस, तो यहाँ भी जो है सो ऑप्शन डी आता डिसअग्री, ओके। नेक्स्ट वन, द वर्ड पॉपुलर कैन बी रिटन इन इट्स फॉर्म ऑफ बाई यूजिंग द प्रीफिक्स, यानी पॉपुलर जो वर्ड है उसका अगर हम देखेंगे तो कौन सा होता है, ए डिस, बी इन, डी इम या डी अन, तो इसका सही आता है पॉपुलर का जो ऑप्शन है वो डी है अनपॉपुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्टीन वन, द वर्ड सॉरी पॉपुलर वर्ड डबल आ गया यहाँ पर, चलिए पॉपुलर का होगा ना। तो नेक्स्ट फोर्टीन देखिए, द वर्ड कंप्लीट कैन बी रिटन इन इट्स फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, जो कंप्लीट वर्ड है उसका
क्या रहेगा प्रीफिक्स फॉर्म, तो कंप्लीट का जो यहाँ पर दिया गया है वो एक ए डिस बी इन सी मिस या डी अन, तो कंप्लीट का जो है सो अनकम्प्लीट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये थे चंद तुम आने वाले एग्ज़ाम में अगर हम देखेंगे तो एक और वर्ड यहाँ पर हम शायद एक मिस हो गया है यहाँ पर, अगर समझो यहाँ पर जो मैं शुरू में एग्जांपल्स बताया सारी चीज़ें, अगर समझो यहाँ पर एक मैच आया यानी मैच वर्ड, ठीक है मैच, तो अगर मैच वर्ड का अगर देखेंगे तो वो क्या होता है इसका सी आता है मिस मैच, यानी एक एग्जांपल ये छूट रहा था, हम इसको यूज़ कर ले सकते हैं मिस मैच, तो मिस वाला वर्ड भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये थे चंद जो आने वाले जो पॉसिबल क्वेश्चन, ऐसे तो हम कई एग्जांपल्स कर सकते हैं मगर मैं इस वीडियो में जो है सो आपको यहाँ जो ऊपर बताया था एग्जांपल्स यानी डिस अन इम इन इल और इर एंड मिस, ये इतने चीज़ें यहाँ, तो इसके हिसाब के एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में देखें, उम्मीद है इसी में से आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इतने प्रैक्टिस कर लीजिए इंशाल्लाह एग्ज़ाम में इसी में से आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।